सदियों से 420 को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई किसी को धोखा देता है, ठगी करता है, तो उसे 420 कहा जाता है। आम बोलचाल में ये शब्द खूब रंग गया है। किताबों, उपन्यासों से लेकर तमाम भाषणों में भी इसी शब्द का इस्तेमाल होता आ रहा है। इस शब्द पर राज कपूर की फिल्म श्री 420 भी आई थी, लेकिन अब धोखेबाज को 420 नहीं कहा जाएगा। इसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 के रूप में लिस्ट किया जाएगा। 163 साल से चला आ रहा पुराना कानून अब बदलने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कानून बदलने से जुड़े 3 बिल पेश किए और ये बिल महज 420 तक ही सीमित नहीं बल्कि हत्या की धारा 302 को भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इसे बदलकर भी कानून की धारा 101 किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा था कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर भविष्य में ये विधेयक पास हुए तो ये आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।